हसनपुर नामक गांव में दामोदर नाम का किसान रहता था। उसके तीन बेटे थे, अक्षय, विमल और सुरेंद्र। तीनों के तीनों बेहद ही नालायक और निकम्मे थे। तीनों कुछ कामधाम नहीं करते थे, दिन भर सोते रहते थे। एक दिन दामोदर ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। तीनों बच्चे पिता के बुलाने पर उनके पास गए और बोले, हाँ पिताजी, क्या बात है, बोलिए। दामोदर बोला, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। पता नहीं कब इस दुनिया से चला जाऊं, कुछ पता नहीं। जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। उसके बेटे बोले, हाँ हाँ पिताजी, बोलिए, क्या कहना चाहते हो। दामोदर बोला, देखो बेटा, तुम्हारे दादाजी यानी मेरे पिताजी गांव के सबसे अमीर आदमी थे। उनके पास काफी जमीन थी, उनके कई नौकर चाकर भी थे, लेकिन वक्त के साथ साथ हम बहुत गरीब हो गए और हम यहाँ आ गए। अक्षय बोला, वो तो ठीक है पिताजी, ये तो हम भी जानते हैं, असल बात बताइए, क्या कहना चाहते हो। दामोदर बोला, हाँ बेटा हाँ, तो जब हम इस गांव में आए तो मेरे पिताजी ने अपने सारे पैसों को सोने के सिक्कों में बदल दिया और हमारे लिए खेत में दफन कर दिया, क्योंकि उस वक्त चोरी चकारी का बहुत डर था। लेकिन बेटा, वो सोना कोई नहीं खोज पाया, यहां तक कि मैं भी खोज नहीं पाया। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जाने मैं कब इस दुनिया से चला जाऊं, तो सोचा इससे पहले ये राज तुम तीनों को बता दूं और मरने से पहले चार धाम की यात्रा पर निकल जाऊं। तुम 3 दिन तक खुदाई करना, अगर 3 दिन तक सोना ना निकले तो इस खेत में गेहूं के बीज डाल देना, फिर 3 महीने बाद फिर से खुदाई करना। 3 महीने तक बीच बीच में जाकर देखते रहना, कहीं सोना ऊपर तो नहीं आया। ये बात बताकर दामोदर यात्रा पर निकल जाता है। तीनों भाई खेत पर जाते हैं। विमल बोला, देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूं, जैसा मैं बोलूंगा वैसा तुम दोनों करना। अक्षय और सुरेंद्र बोले, ठीक है भैया, जैसा आप बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। विमल बोला, हम तीनों खेत में अलग अलग हिस्से में खुदाई करेंगे, जो भी सोना मिलेगा एक जगह जमा करेंगे और फिर आपस में बांट लेंगे। सुरेंद्र बोला, ठीक है भैया, जैसा आप बोलो। विमल ने खेत को 3 हिस्सों में बांट दिया और तीनों भाई खेत में खुदाई करने लगे और रात को साथ बैठकर बात करने लगे। अक्षय बोला, अरे भैया, हम 2 दिन से खुदाई कर रहे हैं, पर अब तक हमें कुछ नहीं मिला। सुरेंद्र बोला, कहीं किसी ने हमारी बात सुन तो नहीं ली और सोना पहले से निकाल लिया हो। विमल बोला, अरे नहीं, ये बात बाबूजी के अलावा और किसी को नहीं पता, इसलिए आखिरी वक्त में बाबूजी ने ये बात सिर्फ हमें बताई है, और क्यों ना बताएं, हम तीनों उनके बेटे जो हैं। सुरेंद्र और अक्षय बोले, हाँ भैया, ठीक कहा आपने। विमल बोला, और तुम लोग भूल गए क्या, पिताजी ने क्या कहा था, कि अगर 3 दिन के बाद भी सोना ना निकले तो गेहूं के बीज डाल देना और बीच बीच में जाकर देखते रहना। सुरेंद्र बोला, अरे हाँ, हम तो ये बात भूल ही गए थे, अच्छा हुआ आपने याद दिला दी भैया। अक्षय बोला, तो ठीक है, कल हम फिर से खुदाई करेंगे, सोना नहीं मिलेगा तो गेहूं के दाने वहां डाल देंगे। अगले दिन तीनों भाई फिर से खेत में जाते हैं, अच्छे से खुदाई करते हैं और फिर सोना ना मिलने पर गेहूं के दाने डाल देते हैं। और फिर तीनों भाई 3 महीने तक इंतजार करते हैं और बीच बीच में खेत में जाकर देखते रहते हैं, कहीं सोना ऊपर तो नहीं आया।
पर कुछ न मिलने के कारण मायूस होकर लौट आते हैं। 3 महीने बाद दामोदर यात्रा से आता है। तीनों बेटे पिताजी से पूछते हैं, अरे पिताजी आप आ गए, ये आपने क्या किया पिताजी? दामोदर बोला, क्या हुआ बच्चों, क्यों परेशान हो? विमल बोला, पिताजी आपने तो कहा था खुदाई करने पर सोना मिलेगा, हमने इतनी मेहनत से खुदाई की पर सोना नहीं मिला। सुरेंद्र बोला, हाँ पिताजी, और आपने कहा था कि गेहूं के बीज डाल देना और देखते रहना, हमने ऐसा ही किया था तब भी सोना नहीं आया। दामोदर बोला, कौन कहता है कि सोना नहीं आया? अक्षय बोला, पिताजी हम सही कह रहे हैं, सोना नहीं आया है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। दामोदर कहता है, चलो मेरे साथ खेत में, देखते हैं सोना आया है या नहीं। विमल बोला, ये देखिए पिताजी, अक्षय ने दाएं और सुरेंद्र ने बाएं और मैंने बीच में खुदाई की पर सोना नहीं निकला और ऊपर से ये घास इतना बढ़ गया। दामोदर बोला, यही तो सोना है मेरे बच्चे। अक्षय बोला, पिताजी ये हरी पीली घास सोना कैसे हो सकती है? दामोदर बोला, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कोई सोना नहीं है, जैसा कि मैंने कहा था कि गेहूं के बीज बोना, तो ये हरी घास गेहूं की ही है जो 3 महीने पहले तुमने बोया था और आज इतने महीनों के बाद खेत में लहरा रही है, यही सोना है मेरे प्यारे बच्चों, इसे तुम बाजार में बेचोगे और उससे तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम उनसे कारखाना खोल सकते हो, व्यापार कर सकते हो, तो हुआ ना ये सोना। विमल बोला, अब समझा पिताजी, आपने हमें सोने का लालच देकर खेती की हजामत कराई और अंत में गेहूं की बुआई भी करवाई। दामोदर बोला, हाँ बेटा अब समझे, मेहनत करने से ही सोना मिलता है, जैसे कि अब मिला। तीनों अपने पिताजी से क्षमा मांगते हुए बोले, हमें माफ कर दो पिताजी, अब से हम मेहनत करेंगे। जब आप हमें पहले समझा रहे थे तब हमने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अब हम समझ गए हैं। उसके बाद दामोदर और उसके तीनों बच्चे हर साल खेत में मेहनत से काम करती और अच्छा पैसा कमाती। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? तो दोस्तों, मेहनत करने से ही फल मिलता है। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें।